हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? अभी ना मैं एक फेस पैक अप्लाई करने वाली हूँ और ये जो फेस पैक है ना गाइज, ये इतना अच्छा और इतना इफेक्टिव फेस पैक है कि अगर आप इसे डेली भी यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो ना 100% नेचुरल है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा चाहे आप किसी भी स्किन की कैटेगरी के हो। बट जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं ना, उन्हें मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार प्लीज़ एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना इसका, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को क्या होता है ना, कभी कभी कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है, स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए प्लीज़ वो पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। अदरवाइज़ ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से वर्क करेगा। आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, अनइवन स्किन टोन है, आपकी एक्ने पोर स्किन है, अगर आपको पिंपल्स बार बार निकलते हैं ना, तब भी ये फेस पैक उस पर बहुत अच्छा काम करता है। आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से नरिश कर देता है, बहुत ही अच्छे से। आपकी स्किन अच्छे से जब नरिश्ड हो जाती है ना, तो वो अपने आप ग्लोइंग दिखती है। और साथ ही साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उनका काम ही है आपकी स्किन से मतलब जितनी भी टैनिंग हो, पिगमेंटेशन हो, अनइवन स्किन टोन आपकी है, मीन्स जैसे होता है ना हमारा वैसे पूरा जो चेहरा है वो साफ दिखता है, बट आपको कहीं ना कहीं डार्क पैचेस आ जाते हैं। माउथ एरिया के आसपास बहुत से लोगों को पैचेस आते हैं या फॉरहेड पे आ जाते हैं, तो अगर आपको इन सब से छुटकारा चाहिए ना, तो आप इसका यूज़ करो। आप ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है ना अगर आपको, तो आप डेली यूज़ कर लो इसका, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत कम है लेकिन आपको सिर्फ टैनिंग वगैरह दूर करनी है, तो आप इसका 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर आपको डार्क पैचेस आ चुके हैं, तो डार्क पैचेस को कम करने के लिए तो आपको इसे डेली लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार इस्तेमाल करोगे तो उतनी जल्दी वो डार्क पैचेस नहीं जाएंगे। तो आप कुछ दिन इसका डेली इस्तेमाल कर लो, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है देन उसके बाद आप इसका यूज़ जो है वो कम कर सकते हो। मैंने अच्छे से अब अपने फेस पे और नेक पे एक अच्छी सी लेयर इसकी लगा ली है। अब इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए हमें रखना है, क्योंकि 20 मिनट तक ये बहुत अच्छे से सूख जाता है, तो कम से कम 20 मिनट तक तो रखिएगा। जो बच गया है उसे मैं ढक के फ्रिज में रख दूंगी और कल यूज़ करूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले मैंने ये फेस पैक बनाया कैसे था। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए हल्दी। यहाँ पर मैं वाइल्ड टर्मरिक का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी हल्दी यूज़ करो, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वो हल्दी है ना वो 100% प्योर होनी चाहिए। तो मुझे पर्सनली ये एल्फ्स गुडनेस की वाइल्ड टर्मरिक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका अलग से भी मैंने अपने चैनल पे रिव्यू कर रखा है, अगर आप इसकी डिटेलिंग जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। हल्दी आपकी ढेर सारी स्किन प्रॉब्लम्स पे वर्क करती है, पिगमेंटेशन को कम करती है, आपके एक्ने पे भी वर्क करती है, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करती है। देन पहले आप ये देख लो इसमें मैं आप क्या ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अगर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ली है तो 1/2 ही चम्मच यहाँ पर मैं कॉफ़ी पाउडर लूँगी। कॉफ़ी पाउडर भी आपकी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं 2 चम्मच दही ऐड करूँगी। आपने देखा यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया, तो दोनों की क्वांटिटी मिला के हो गई 1 चम्मच। अब इसमें 2 चम्मच जब दही ऐड करते हैं ना, उसके बाद एक परफेक्ट जो कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होती, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारा वो फेस पैक टपकता रह जाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि बहुत थिक ये फेस पैक तैयार हो। तो बस इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना कुछ इस तरीके से ही रहती है। हमें अच्छे से इनको आपस में मिक्स कर देना है। हल्दी तो हमारी स्किन की हर एक प्रॉब्लम पे वर्क करती ही है, मतलब हल्दी एकमात्र ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हर एक स्किन प्रॉब्लम पे वर्क करता है। यहाँ पे अगर मैं आपको गिनवाने बैठी ना कि किस किस प्रॉब्लम पे वर्क करता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप इतना समझ लीजिए कि आपकी हर एक स्किन प्रॉब्लम पे वर्क करता है, चाहे पिगमेंटेशन की हो, डार्क स्पॉट्स की हो, एक्ने पिंपल की हो, डार्क पैचेस की हो, टैनिंग आ चुकी है, सांवलेपन की
परेशानी है आपको, तो हर एक स्किन प्रॉब्लम पे जो है ये वर्क करती है। और आपने जो इसमें हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है ना, वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, जो कॉफ़ी होती है ना आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, जिससे क्या होता है आपके स्किन पे जितनी भी डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है, जिससे आपकी स्किन जो है ना लाइटन अप और ब्राइटन अप दिखती है, आपके एक्ने को भी कम करती है। और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपको अगर एजिंग के साइन आने लग गए हैं उस पर भी काम करती है, टैनिंग को भी कम करती है। और जो दही होता है वो हमारी स्किन को अच्छे से नरिश करता है, हमारी स्किन हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेटेड बनाता है, डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है और हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। तो अब ये देख लीजिए मेरा फेस पैक बनके तैयार हो चुका है, तो आपको ये फेस पैक इसी तरीके से जो है रेडी करना है। और अब ये फेस पैक देख लीजिए मेरा बहुत अच्छी तरीके से सूख चुका है, मैंने 20 मिनट तक इसे अपने चेहरे पे रखा है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो चलिए अब इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करने के बाद ना पहले ही इस्तेमाल से आपको इसका रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि क्या होता है हमारे स्किन पर जब टैनिंग आ जाती है ना, तो उससे हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन टैनिंग के नीचे दब जाता है। तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने हल्दी और कॉफ़ी का यूज़ किया है ना, वो आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारता है, तो आपकी स्किन को निखारेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम्स पे भी वर्क करेगा। तो बहुत ही अच्छा ये फेस पैक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो तो इसका डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी भी एज के हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ इस मास्क को एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।